में उसका रंग भी नीला है, पेट के नाम से तो बेसुरा भी अब सुरीला है, तू गाए तो बोले सब तेरा इसको ढीला है, ओ तू गाए तो बोले सब तेरा इसको ढीला है। क्या बदला तुझको लगता हूँ, क्या बेला तुझको दिखता हूँ, गले से तू जरा लगा झटका 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 देता हूँ। तुझे तो है बुखार क्या, तू क्या जाने कुमार क्या, पास आके तू दूध दिखा, फटका 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 देती हूँ। मैं कद्दू हूँ जिसे शायद मेरी जान समझे कीड़ा है, फर्क पड़ता है क्या दाढ़ी में मीरा या मतीरा है, डेट के नाम से तो बेसुरा भी अब सुरीला है, मैं गाऊँ तो बोले सब तेरा इसको ढीला है, की खास खबर। स्पेक्टर कदम एक चुगलखोर, बदबूदार और बिलबतोली का बच्चा है और रिश्वतखोर और हरामखोर है। ऐसे पुलिस वाले को किसी मैले आदमी का मोजा सुंघा के मार देना चाहिए। मैले से याद आया, जुबैर शकूर का मोजा सुंघा के मार देना चाहिए। हमेशा तो तुम्हें चड्डे में ही देखा है, वर्दी में कितने बुरे लग रहे हो। वैसे जा कहां रहे हो? थाने जा रहा हूं। हाँ हाँ जाओ जाओ, मैंने कब कहा कि तुम सीवीओ जा रहे हो डेट पे। आज की खास खबर। स्पेक्टर कदम एक चुगलखोर, बदबूदार और बिलबतोली का बच्चा है और रिश्वतखोर और हरामखोर है। ऐसे पुलिस वाले को किसी मैले आदमी का मोजा सुंघा के मार देना चाहिए। मैले से याद आया, साहब कुछ परेशान लग रहे। साहब तबीयत तो ठीक है ना आपकी? साहब चाय पियेंगे, मेरी बड़ी बात मानता है ये। ओ साहब मैं चाय वाय पिलाने नहीं आया हूँ, मैं पिछले 3 महीने के पैसे लेने आया हूँ। दे देंगे सर, हम चाय पी के आते हैं और पैसे देते हैं। चलो मैं देता हूँ तुम्हें पैसे पैदल, चलो। साहब मैं पैसे दे के आता हूँ 3 महीने के। चलो चलो। इंस्पेक्टर कदम, रखो संभल संभल के कदम। अरे ऐसी की तैसी ऐसे काम की जिसमें रोटी ना मिले शाम की, जैसी तुम्हारी वर्दी है सिर्फ रोटी खाओ हराम की। काहे काहे सरकार के लिए तुम अपना जूता रगड़ रहे हो, घिस रहे हो। अरे लो पेटी आम की,
चौसा है चौसा। खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ और अपनी बेगम को भी खिलाओ। कहना कि शिवा ने दिया है। ना हम चौसा खाएंगे ना लंगड़ा किसी को खाने देंगे, बल्कि मार्केट में जितने आम हैं वो सारे के सारे हम गायब कर देंगे। ले जाओ इसे। तुम्हारी मर्जी है भैया, हम तो तुमको दे दिए। तुम चाहे लंगड़ा ना खाओ, चौसा ना खाओ, लूला ना खाओ, अख्तर अटोल ना खाओ, अनवर अटोल ना खाओ, तुम्हारी मर्जी। जा अख्तर अटोल का भांजा, चला। चलो चलो, सटिया गया है, चलो। इंस्पेक्टर देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे, हाँ देख लेंगे अपने आप को। हम भी अपने आप को देखेंगे। जाओ अनवर अटोल का भांजा। हम हमारे घर में नहीं खाने के लिए क्या? रोकिए रोकिए, इधर जाइए, तलाशी लीजिए। क्यों रे कदम साहब, क्या चिंची रक्षे पर सवारियां उठाते फिर रहे हैं? एक खुशखबरी लाए हैं आपके लिए, रिश्वत खोरी का इल्जाम लगे हैं आपके। सर ये कोई नई बात तो नहीं है सर? अभी नई बात भी बताते हैं आपको, इधर लाइए। अरे ये क्या, रक्षे पे आम लिए घूम रहे हैं? रक्षे को ट्रक समझे हैं क्या? सर ये आम की पेटी मेरी गाड़ी में कैसे आई मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये आम है ना बिल्कुल खराब है। अभी एक काम कीजिए, आपको थाने ले जाके खराब करते हैं, लेके चलिए इनको। सर वो सर, अरे लेके चलिए, इसको भी लाइए। मम्मी मम्मी पापा कब आएंगे? पता नहीं बेटा। मम्मी पापा को फोन करें ना। हाँ मैं फोन करती हूँ। मैं अब घर नहीं आऊंगा। क्या हो गया? बल्कि सीधा मेवशा कब्रिस्तान जाऊंगा, वहां पे तख्ती पे अच्छी तरह लिख दो कि मैं जल्दी आ रहा हूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? निहारी लेने आए हैं भाई, अभी क्या हो गया? चैनल वाले सवाल पूछेंगे। ए भाई इसको देना है जवाब। क्यों? ये हमारे चैनल है, हमारा दोस्त काम करता है, गंजा मसूदी। अच्छा, जो रमजान में पकौड़े बनाता है? नहीं पागल बनाता है, लोगों को कहता है चांस दूंगा, पानी भरवाता घर का। अच्छा ठीक है ठीक है, पूछे पूछे पूछे। सर क्या राकेश कदम को आपने मारा? ए शिवा देख इसको, मैंने तो आज तक मच्छर नहीं मारा, लंगड़े कुत्ते को पत्थर नहीं मारा, खड़े हुए मोटरसाइकिल को किक नहीं मारा भाई ने। बंदा मारने इतना दूर है जैसे कराची से हैदराबाद। लेकिन इसकी बीवी का तो इल्जाम है आप पर। ए बावली हो गई है वो, अब मियां मर गया है ना, चार महीने तक किसी को अपना शक्ल नहीं दिखा सकती, मेकअप नहीं कर सकती, किसी शादी में नहीं जा सकती, फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती। पहले वो मेवा थी, अब बेवा हो गई है, इल्जाम लगा रही है, लगा ले दो। जय काम सीख रहे। जयकांत शिखरे कि यहाँ मेरे सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन लेकिन वो है
वो मेरी मदद तो जरूर आएगा। ए, 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 शुभा निकल 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 निकल। साहब लक्ष्मी, लक्ष्मी बड़ी मशहूर औरत है साहब। ओ ये तो गांव में इतनी मशहूर है कि अंडों में चाशनी मिला के और ये गुलाब जामुन बना के भेज देती है साहब। ये क्या है? साहब चोरी का केस। क्या हुआ? ये रात को चोरी चोरी हमारी भैंसों का दूध पी जाता है। भैंसों ने तुमसे शिकायत की? नहीं। तो जब भैंसें एंजॉय कर रही हैं तो तुम्हें काहे की तकलीफ है? लेकिन हमारी भैंसें तो दागी हो जाती है ना। अच्छा तो तुम्हारी भैंसें दागी हो गई। एक काम करो, कोई अच्छा सा भैंसा देखकर भैंसों की शादी कर दो। दागी माल घर में रखना नहीं चाहिए। इसीलिए तो आपके पास आए हैं। इसने हमारी भैंसों का 1 किलो दूध पिया है। हमें 1 किलो के पैसे चाहिए। तू भैंसों का दूध चोरी चोरी क्यों पीता है? साहब भैंस ने मुझे खुद इशारा किया था। और ये जख्म? हाँ मैंने मारा है, माफी चाहता हूँ। साहब क्या कर रहे हैं? एक ही बहुत है, बहुत तगड़ा है, बाहर मिल गए तो हम दोनों को मारेगा। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे संगम। क्या अच्छा नहीं कर रहे? भैंसों का कैरेक्टर तुम्हारा ठीक नहीं है और हाथ दूसरे पे उठाते हो। एक बात कान खोल के सुन लो चौधरी, सिंगम के इलाके में कोई किसी पे जुल्म नहीं करेगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे? 1 किलो के 65 रुपए। 65 रुपए? आओ मेरे साथ। साहब तो चले गए, नींद पूरी कर ली जाए जबरदस्त। अब नींद पूरी, थाना तो बंद कर दूं, कोई चुरा के ना ले जाए। देख रहे हैं, पानी वानी दे रहा हूँ। आई कहाँ है? अरे वो अपनी सफेदी छुपा रही होगी, हिसाब लगा रही होगी। तुम भी तो अपनी सफेदी छुपाते हो मेहंदी लगा के। और आज के बाद मेहंदी मत लगाना। वो क्यों? सर पे पानी का पोछा मार लेना, मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे? दूध क्या किलो है? 65 रुपए। बस किलो के हिसाब से 65 रुपए ही चाहिए। इतने सारे पैसे? तो और क्या, क्या करेगा तू पैसे? भैंस खरीदनी है। अबे जब बाजार में दूध मिलता है तो घर में भैंस लाने की क्या जरूरत है? और चाबी तिजोरी की तेरी अम्मी के पास है। ठीक है, और बात सुनिए। हाँ। एक बकरे के साथ फोटो भी खिंचवा लेना। क्यों? फेसबुक पे लगाने के लिए काम आएगी। आई 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 क्या? इतनी देर से क्यों आई? क्यों? चाबी दो। चाबी? तू चाबी से चलने लगा है? देखो आई, मुझे हंसाने की कोशिश मत करो। तिजोरी की चाबी दो, मुझे पैसे निकालने हैं। पैसे? 100 रुपए, और वो भी पूरे। वो भी पूरे? हाँ। 100 रुपए? हाँ। उसके लिए तिजोरी की चाबी चाहिए। ये पकड़, मैं अभी देती हूँ तुझे 100 रुपए। ये पता है, ये 100 रुपए मैंने तेरे अब्बा के जेब से निकाले थे। अच्छा? इजी लोड कराने के लिए। ये तू ले ले पूरे 100 रुपए। आई, आपकी इस हरकत से लगता है कि हम लोग हैं ही चोर के बच्चे। थोड़ा सा खिजाब मूंछों पर भी लगा लेना ताकि पता चले अब्बा और तुम दोनों भाई भाई हो। ये ले 100 रुपए, दे इसको। लेकिन तू वापस कब करेगा? कभी वापस नहीं करेगा, कभी भी। दे इसको। और आज के बाद मेरे इलाके में किसी को हाथ नहीं लगाना, समझे? पहले भाई मालशिया था, चटाई बोतल बेच के, ऐसे बोल रहा हूँ।
लाफून लसेट को नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है बाजी, हैं? उसकी बहन का लग गया। तेरी ये आता है सेठ को मिला, ये जो तो ऐसे ही टून आता है। अच्छा, बेल जा रही है। अभी गाय भी जाएगी। ए सेठ, तू बहुत कंजूस है। क्यों? ए सेठ, 20 साल बाद तेरे यहाँ बेटा हुआ, तेरी सुस्ती की वजह से 20 साल बाद भी इतना सा बेटा हुआ, और वो भी नहीं रहा सेठ, तो बता तेरा क्या होगा? एक खोखा बेच खोखा। खोखा? बर्तन बैग करने वाले? एक खोखा नहीं समझ, खोखा 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 खोखा, 1 करोड़ 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़। सलील कमीने धोखेबाज। अरे भाई, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा है धोखे। धोखे? कौन सी गंदी गंदी गाली दे रहा है? तेरी टूट, तेरी टूट, तेरी। और जुबान बंद होगी नहीं होगी? दोबारा मिला उसको सेठ को, दोबारा मिला, बोल मैं बात कर रहा हूँ। भगवान ने तेरे को भी हाथ दिया, खुद मिला। यदि मजाक कर रहा हूँ, मिलाओ ना। शिमा, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था। इतनी गंदी गाली दे रहा था, जब तुम छूट सही नहीं करते हो ना, कामरान खान कैसे देता तुमको गाली? ए हाँ सेठ, मैं शिकरा। क्या? कौन? बकरा? ए बकरा होगा तेरा बाप। अब सुन, अब सुन, आज से 2 साल पहले तू जैसे सेठ ने मेरे को पैसे नहीं दिए, मैं उसके 2 बच्चे केचप लगा के खा गया। अभी सुबह 2 बच्चे मैं चाय में डुबो के खाया हूँ। अब तू बता तेरे बच्चों को कैसे खाऊं? नमक लगा के खाओ, ककड़ी का मजा देगा। ए चुप, पड़ी हुई लकड़ी। पैसे देगी कहाँ? कहाँ लाऊं? अब आया ना लाइन पे, कहाँ लाऊं? ए शिवा, पूछ रहा है कहाँ लाऊं? कोई पीछे तो मेरी खोली खाली है। पैसों का पूछ रहा है वो। ए बासन सेठ, वो काले पुल के नीचे अपना सलीम काला होगा, उसको दे देना। हाँ भाई, इतनी देर में सलीम क्रीम लगा के गोरा हो गया फिर? चुप, सही से दबा। अरे बेटा, इतनी देर क्यों हो गई तुझे? गधे गाड़ी पे आ रहे थे ये। गधा गाड़ी पे क्या आऊंगा मैं, तो खुद खोता हो गया, गाड़ी पंचर हो गई। पंचर वाले के पास ले गया पंचर बनाने, उसमें इतने पंचर थे कि उसने वो रख लिया, आटा छानने के काम आएगी कह रहा है ट्यूब। एक मिनट, SMS आया है। ओ वेरी गुड। एक पुरानी हवेली के बंद कमरे की टूटी हुई खिड़की पे बैठे हुए मच्छर की कसम, SMS खत्म। हाँ अब पूछो, क्या पूछना? आप लेट क्यों आए? एक मिनट, SMS आया है। कंडक्टर और ड्राइवर में क्या फर्क है? कंडक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, और अगर ड्राइवर सो जाए तो सबके टिकट कट जाएंगे। तुम SMS ही पढ़े जा रहे हो, कोई बात तो बताओ। हाँ बात पे ये बात याद आई कि एक और SMS आया है। हाँ जी, एक बादशाह ने किसी खुशी के मौके पर सब कैदियों को आजाद कर दिया। एक बूढ़ा कैदी बादशाह के सामने से गुजर रहा था। बादशाह ने पूछा, तुम कब से कैद हो? कैदी बोला, आपके बाप दादा के जमाने से। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको वापस कैद कर दो, ये हमारे बाप दादा की निशानी है। ये शहर जाके बच्चों की कहानी पढ़ता था लग रहा है। कहानी पे याद आया, एक और SMS आया। तुम क्यों आए? मैं क्यों आया? मुझे क्यों बुलाया? मैं बताती हूँ। तेरे बाप ने मन्नत मांगी थी कि जब तू शहर जाएगा। एक मिनट, SMS आया। जीवे जीवे पाकिस्तान, ना कोई धंधा ना कोई काम, रिश्वत आम ट्रैफिक जाम, मोहब्बत कम नफरत आम, जीवे जीवे पाकिस्तान, गरीब करे काम अमीर करे आराम, हर चीज के बढ़ गए दाम, होगा क्या हमारा अंजाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। हाँ अब बोले। मुझे फोन देना, मैं SMS करके इसको बता देती हूँ। नहीं, मैं आंटियों के SMS नहीं पढ़ता। तो सुन लो मेरी बात। हाँ तो सुनाइए। मैं ये कह रही थी, एक मिनट,
अब नहीं बताऊंगी मैं। मैं बता रहा था, अब SMS नहीं आया। ओफो, मैं ये बता रही थी कि तुम्हारे बाप ने मन्नत मानी थी कि जब तुम शहर जाओगे ना और वहाँ से बहुत बड़े आदमी बनकर आओगे तो गांव वाले एक एक करके तुम्हें जूती लगाएंगे और वो मन्नत पूरी हो गई। तो अब तैयार हो जाओ। इतनी खुशी से बात कर रही है जैसे गांव वाले एक एक लड्डू खिलाएंगे। ये लड्डू, अरे भाई सब जूते पहने हो ना, तो मारो मारो, आश्रय क्या कर रहा हो। लेकिन मारने से पहले एक मिनट, SMS आया। अबे SMS को छोड़ो, खोतिया। खोतिया खोतिया किसने बोला, क्यों बोला खोतिया, क्यों बोला? शहर में जाके गौतम हो गया, गांव में तो तू खोतिया था, खोतिया के बच्चे। पापा का नाम खोतिया, कितना अजीब नाम है ना, खोतिया खोतिया। खबरदार, जो अब इनकी नकल किसी ने की, किसी ने खोतिया बोल दिया। खोतिया बोलने से बेहतर है जूते ही मार लो, जूते मार लो। देखने जा रही हो? यहाँ हम दिखाते हैं फिल्म, क्या पोपन खा रही है क्या? तो तुझे क्या लगता है, चिकन चिली खा रही हूँ? ए तू बोल तो, चिकन चिली क्या, उबली बिल्ली खिलाऊं क्या? शर्म नहीं आती लड़की को छेड़ते हुए, वो भी मेरे सामने। ए चलो चाचा चल। ए चाचा थोड़ा पहले चलो चाचा। ए निकल हां, ए इधर ही रुकना, इधर ही रुकना, मैं आता हूं गांव वालों को लेकर। चलो छोटा गाय उसको बुलाओ, झूला झूले बोलो उसको, खेल लाओगे वो। अरे इतनी जल्दी आ गए तुम लोग फिल्म देख के? अरे फिल्म देखी किसने है? क्यों? हम सिनेमा में फिल्म देखने जा ही रहे थे कि किसी गुंडे ने मेरे हाथ से पॉपकॉर्न छीन लिए। और तुमने पॉपकॉर्न दे दी? ले लेते। मैं तो पहले ही कही थी कि पर्स में रख लो। क्या हुआ? इससे ना गुंडों ने पॉपकॉर्न छीन लिए। कहाँ पे? सिनेमा हॉल गई थी, सिनेमा में। क्या हुआ क्या? फिल्म देखने अंदर जा रहे थे, गुंडे ने मेरे हाथ से पॉपकॉर्न छीन लिए। छिछोरापन किया है, किसने इस लड़की के पॉपकॉर्न छीने हैं? ए क्या चोर करता है तू, हाँ वर्दी उतार कर बात कर, पॉपकॉर्न मैंने छीने। हाँ अच्छा, जानवर बड़े मजेदार है। तुम ही सिर्फ हो जाओ। क्यों सर? कहीं तुम्हें बच्चा समझ के दूध देना शुरू ना कर दे। हाँ। सर दूध पे याद आया। क्या? गफूर है ना, गफूर कहाँ? हाँ। इसकी कंप्लेन है सर,
कि ये दूध में पानी मिला के बेच रहा है। अच्छा हाँ, लेकिन तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। वजह सर? ये सारे भैंसे हैं दूध दे नहीं सकते। लेकिन फिर भी गफूर खाने को ढूंढो। गफूर खाने को तो सर एक बात है, गफूर खाना नहीं मिले तो सिद्दीक भैंगे को ले आऊं। किसी को भी ले आओ, लेकिन लेकर आओ जल्दी जाओ। माँ तो शुक्र खाना नहीं है, माँ तो सारे अंधे बैठे हुए ताश खेल रहे। अच्छा हाँ, खेल क्या रहे? मांग पत्ता, मेरे भी 100 अंदर हो गए। अच्छा सिंघम 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 सिंघम, क्या बावली भेड़ की तरह चीख रही हो, आज का चोरी हो गया? वो मेरा मोबाइल। मोबाइल चोरी हुआ है या जिसका था उसने वापस ले लिया? जब से तुम्हें देखा है ना, मैंने दूसरों से मोबाइल लेना छोड़ दिया है। लेकिन ये तो चोरी हुआ है। लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी चोर का हुलिया कैसा था? हुलिया बिल्कुल ऐसा। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं साहब, क्या हो गया क्या हो गया, मैं क्यों चुराऊंगा? अरे भाई मैं मोबाइल वाइल नहीं चुराता, मेरी शक्ल चोरों जैसी जरूर है लेकिन मैंने नहीं चुराया। और बात सुनो, मैं वैसे भी चाइना की मोबाइल नहीं चुराता। वो क्यों? डबल सिम होती है सर। लेकिन मेरा तो ओरिजिनल था। तो मेरा भी ओरिजिनल है क्या? मोबाइल सर। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। अरे जाओ। जाती हूँ। सुन, इसका मोबाइल चोरी नहीं हुआ। जा? ये मुझे फंसा रही है। जाइले। हाँ? ना सॉरी साहब, सॉरी। ठीक कहा। हाँ, मैं तुम्हें फंसा रही हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल मेरे पास है। और एक बात कान खोल के सुन, आई लव यू। पागल है, पागल है, जब भी तो आई लव यू बोल के जा रही है। हाँ, वरना वरना डायरेक्ट थूकना बनता है साहब। नहीं मैं 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 गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, चलते हैं। मेरा साहब स्टार्ट नहीं हो रही, मैं तो कह रहा हूँ पैदल ही चले चले। बाजीराओ सिंघम, बाजीराओ सिंघम। सारे महीनों में हर एक तरीके से तुझको जान पटाऊंगा मैं। जेटी हो या फिर समंदर, जहाँ बोले ले जाऊंगा मैं। सारे महीनों में सारे तरीकों से मुझको जान पटाएगा रे। जेटी जेटी हो या फिर समंदर, जहाँ बोलूं ले जाएगा रे। लगा तो को रंगी में क्वार्टर दूंगा मैं तुझको, लकी मैं खिलाऊं कढ़ाई, कंबल में छुप कर करें हम पढ़ाई। गलियों में खाएंगे हम गोला गंडा, छेड़ेगा जो हमको दे उसको डंडा। हॉस्टल पे जाके नहाएंगे हम, लोड शेडिंग को भूल जाएंगे हम। एक तुझसे जाने जा मिलने की खातिर, होता करूँ ले आऊंगा मैं। जान पटाऊंगा मैं। जेटी जेटी हो या फिर समंदर, जहाँ बोले ले जाऊंगा मैं। आई है परसी आई है, बड़े दिनों
जरा मुझे बुड्ढे बकरे। ए भाई तुम अकेले ही अपना तारुफ करा तो मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना क्या? छोटा भाई अपन का छोटा भाई शिवा, शिवा उर्फ नूरी नथ। ये नूरी नथ कौन है? नूरी नथ अभी भाई ये इंडियन फिल्म की नकल है, पाकिस्तानी नहीं। क्या ट्रैक चेंज कर रहा है? माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। तुमने ही हमारा बेटा को मारा था ना? हाँ उसने खुद मौत के मुंह में उंगली दिया था। क्या जरूरत थी जब सामने ट्रक आ रहा है तो बीच में घुसने की? इसको बोलते हैं अपने से बड़े में घुसने का अंजाम। लेकिन पुलिस कभी भी साबित नहीं कर सकेगी कि वो एक कत्ल था। वो ये समझेगी कि ये एक एक्सीडेंट था। ये और बात है कि वो सारे ट्रक एकांशी। हाँ भाई के टैक्सियां भी है चार, ऐसी चलती है। ये नहीं बोलने का बीच में। ए भाई क्या हो गया? टांग पे टांग रखो, रोप पड़ता है। अच्छा मेरे पे नहीं, अपने पैर पे पैर रखो। हाँ ठीक है ठीक है। और तू सुन भाई, हाँ इसको चौथा गियर लगा रहे हो, स्पीड पकड़ लेगा। ए अगर अब भी तूने ये घर मेरे हवाले नहीं किया तो इस घर में और भी बच्चे हैं। ऐसा ना हो कि तू हर वक्त बर्थिया मनाता रहे। चल कर साइन। ले लो ले लो। अच्छा जल्दी देने का, जल्दी क्या कर लो, जल्दी क्या कर, टाइम नहीं खोटी कर। चल चुड़िया बिठा। ए चुड़िया भाई छोटी होती है, कुत्ता बिठा बड़ा होता है। चल बैठ जा। हाँ क्या बोल रहे हो? शाबाश अकलमंद लगा है, कुछ खाया पिया कर, क्या तरह मरी भी मछली जैसा मुंह है, समझा? अरे भाई खाने पे आया, भूख लगे लिए यार। ये केले ले, तू ले ले, तू अकेले ले ले भाई। बरसी आई है, आई है बरसी, आई है मिलके बरसी, आई है, आई है बरसी, आई है बरसी, आई है, आई है बरसी, आई है। ओहो बरसी आई है, आई है बरसी, आई है बरसी, आई है, आई है बरसी, आई है बरसी, आई है, आई है बरसी, आई है बरसी, आई है, आई है बरसी। हे डीएसपी, अरे अरे कितना प्यारा गाना गाते हुए आ रहे हैं, अरे लग भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हां डीएसपी बोल बोल बोल। अरे भैया जी आपके लिए हम एक खुशखबरी लेके आए हैं। ए देखना जुड़वा होगा जुड़वा। ए भाई जैसी आपकी हरकत है ना, एक भी मुश्किल लग रहा है। क्या हुआ? अरे भैया जी बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा प्रॉब्लम? अरे क्या बता रहा है, इसके बोल जल्दी बोलो, डर लग रहा है मेरे को। मैं तुम्हारे पेट में फूंक मारता हूँ। क्या 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 क्या? अरे नहीं नहीं घबराहट का कोई बात ही नहीं है। अरे वो नहीं है अपना, क्या नाम है उसका, अच्छा ही नाम है, गुमनाम गांव थाना जो है ना, सुने है ना? और तो बस उधर जाना है आपको। गुमनाम गांव थाना वो जो लांडी के पीछे है, 89 के बराबर में, बाबर मार्केट के साइड में। ए जी दाऊ चरण की बात नहीं जाने का? अरे नहीं 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 जाएंगे। अरे क्यों, कहा हो गया, क्यों इतना घबरा रहे हैं? अरे वहाँ भाई एक दफा हम दोनों कुत्ते की तरह पीटे थे। अरे तो कहा हो गया, इसमें कौन सा परेशानी की बात है? अरे कहा हो गया, कौन सा परेशानी का बात है? अगर आपको इतना ये है, आपके कोई तशरीफ पे रख रख के मारे और बर्फ पे बिठा दे तो फिर पूछेंगे हम। बाद में वीडियो बना के वो क्या बोलते हैं, वो यूट्यूब पे भी लगाते हैं वो। और छोड़िए वो कपटता, तो हम भी रहते हैं है? आप छोड़िए इन बातों को, बस आपने वहाँ पर जाके वो नहीं अपना क्या कहते हैं उसको जो पेन से करते हैं सिग्नेचर दस्तखत, बस वो कर रहे हैं सिग्नेचर। कैसी बातें कर रहे हो डीएसपी, हमारे भाई कभी मदरसे के आगे से नहीं गुजरे। अरे तो इसमें कौन सा घबराने वाली बात है, आपका अंगूठा पकड़ कर लगा देंगे ना हम उधर। कैसे लगा दे, जूता पहने में? अरे भैया हम उंगली का अंगूठा का बात कर, आप परेशान नहीं हुआ, चलिए हमारे साथ। चल चल चल। ए शिवम, ये आदमी देखा देखा लगता है, ये आदमी कहीं वो 50 मिनट में तो नहीं आता। अरे कैसी बात करते हो भाई, जैसी इसकी सेहत दिख रही है 25 मिनट में लुढ़क जाएंगे। सही कह रहे हैं। अरे छोड़िए ना, चलिए आइए, आइए किधर चलिए? क्यों अपिए भाई, अपने बंदे हैं ना उधर, वो कर लेंगे, तुम छोड़ो, इतनी इतनी सी बातों में तुम्हारे को जाने की क्या जरूरत है। सही बोल रहा है, सही बोल, सही बोल रहा, बोल दिया शिवा ने, बोल दिया बात खत्म। बरसी आई है, आई है, तुम भी बोलो। अरे बचार से आई है, आई है बरसी, आई है। जयकांत का आदमी हूं, वो तो यहाँ नहीं आ सकते। हम आया हूं, बिड़ू किधर साइन करना है बोल। अच्छा तो साइन तू करेगा? हाँ मैं करूंगा, और तुम करेगा?
छू। बोल, छोड़ेगा अब? अच्छा तू छोड़ेगा? छोड़ेगा कैसे? अच्छा तू वहाँ इधर खड़ा। ओ भाई, इधर बैठ। मैं थक गया। अब आप आ जाओ, आपकी बारी। सुन, अपनी माँ के खसम जयकांत सिकरे को बोलना कि 4 घंटे के अंदर आके यहाँ पर साइन करे, वरना तेरी माँ को तलाक हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। चल। साइन करने आया है। ए, 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 ये कौन है जो मेरे साथ कुत्ते वाली कर गया? ये इंस्पेक्टर है। हैं? ए, 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 इंस्पेक्टर। ए, इंस्पेक्टर। वो अभी मेरे को जानता नहीं। हाँ, नहीं जानता मेरे को तू? जानता हूँ मैं तुझे अच्छी तरह। सड़े हुए आमों का धंधा करता है तू। तेरी माँ का नाम शांति है, जो पूरे गांव में सबसे बड़ी लानती है, और तेरा बाप धोती में जीपे लगाता है। चल चल, शनाख्ती कार्ड दे, और उर्दू वाला देना, अंग्रेजी वाला मत देना, मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आती। चल। मेरे को फैसल कुरैशी समझ रहा है, जो हर सीरियल में नजर आता हूँ। ए, ए, बता बता कौन हूँ मैं? तेरा बेनोई है। ए, बाट लग जाएगा तेरा बाट। द्रौपदी सिंघम, पीछे करो। ना 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 ना, ए वाइडो थी भाई, दोबारा बिन मामूली चुच्चा है, साइन करने आया है। जा। ए शिवा, चुच्चा क्या होता है? अरे सयाने नहीं बना, तुमको ही बोला है। ए इंस्पेक्टर,
मैं चाहूं तुझे तले हुए पकौड़े खिला सकता हूँ अभी के अभी, अगर मैं चाहूं तो चलती हुई मुर्गी के अंडे चुरा सकता हूँ अभी के अभी, अगर मैं चाहूं तो केचप की बंद बोतल में उंगली डाल के केचप निकाल के चाट सकता हूँ अभी के अभी। ए भाई बावले कुत्ते की चुम्मी ले सकते हो अभी के अभी, अभी के अभी। शायद पता नहीं, अगर मैं एक इशारा करूं तो ये सबके सब पान खाते, तेरे मुंह पे पान की पिचकारियां इतनी आएंगी कि तेरा मुंह लाल हो जाएगा अभी के अभी, और तेरा मुंह ऐसे लाल हो जाएगा जैसे बंदर लाल होता है। आगे तू खुद समझदार है, अभी के अभी। यहां से जाने के बाद पब्लिक को पता चलेगा कि तेरे साथ हुआ क्या है। अभी के अभी। ए फाइल ला, जबान निकाल। बाजीराव सिंघम जेतपुरी नाम है मेरा, हर 15 दिन में एक मर्तबा यहाँ पे आके अंगूठा लगवा के जाना। तो भाई 15 दिन बाद आएगा, भाड़ा खर्च होगा, उंगली काट के दे दे। ए! याद रखना बाजीराव सिंघम जेतपुरी। एवर वाइड भाई करी भी जो कम सारी भी जो कांटा लगा है पूरे गांव वालों के सामने। सिंघम ने मुझे नंगा किया, मुझे मुझे बाद में पता चला मेरे पर टिकट भी लगाई हुई थी कमीने ने। छोड़ूंगा नहीं मैं सिंघम, छोड़ूंगा नहीं। ये क्या अपराध दिया मेरे को? शुक्र करो भाई, सिर्फ कपड़े फाड़े, सर भी फाड़ सकता था वो। और तू भी मेरे साथ नहीं आया? भाई मलंग लग रहा है, एकदम मलंग। तो मन्नत मांग, यही से तेरे को औलाद मिलेगी। भाई तू सलंग लग रहा है, दफा करो। चल चल भाई की फोटो खींच, तेरे बाप के फोटो सेशन हो रहा है। ए तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ सिंघम। वो सिंघम आ गया। नहीं कर यार, नहीं कर यार, मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। अभी और बच्चा क्या फाड़ने के लिए? ए भाई वैसे मलका शराबत लग रहा है तू। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर? भाई ऐसे निकल जाते मांगने के लिए बहुत मिलेंगे। सिंघम तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत। बहुत मारा कभी भाई, मेरे को मारा है। क्या बात है बाबा, तुम लोग बाहर खड़े हो, घर के भाड़े पे दे दिया? अरे बेटा तेरा लेटर आया है। किसी लड़की का है क्या? अंधी होगी वो लड़की जो तुझे लेटर लिखेगी, ट्रांसफर लेटर है। अरे बाबा ये तो 3 महीने पहले आया हुआ है। और तूने मुझे बताया भी नहीं, मुझे बता देता तो मैं क्या गाँव वालों को बता देती। अरे माँ इसमें बताना क्या है, मैं कौन सा अपना घर और अपने गाँव को छोड़ के गर्क होने वाला हूँ। अरे बेटा जब तू शहर जाएगा तुझे लोग कुत्ते की तरह मारेंगे, मैं और ये गांव वाले फखर से बोलेंगे ये है गुमनाम गांव का बेटा जो मार खाने में चैंपियन है। अरे तेरे उधार के पैसे तुझे मिल जाएंगे। हाँ तू फोन बंद कर, मुझे मेरी बच्ची से बात करनी है। नहीं नहीं वो वाली नहीं, बच्ची महबूबा। दीदी काफी दिन हो गए सिंघम की कॉल नहीं आ रही। लो शैतान का नाम लिया और फोन आ गया। हेलो सिंघम। हाँ काव्या मैं शहर आ रहा हूँ। क्यों तुम शहर क्यों आ रहे हो? जकात और फितरा मांगने। अरे क्या पागल हो गई हो, मेरा ट्रांसफार्मर हो गया शहर में। क्या सिंघम शहर आ रहे हैं? दीदी उसको बोलो मेरे लिए परांदा चूड़ियाँ कपड़े और जूते। और हाँ वो मेरे लिए तो कुछ
खिलाता नहीं है, तुम्हारे लिए क्या खाक लेकर आएगा? वाह मजा आएगा। मजा किस बात का, मैं तुम्हारे लिए फालूदा लेके आ रहा हूँ। लेकिन एक बात है काव्या, मैं वहां आते ही सबसे पहले खोतिया का मुंह देखना चाहता हूँ। क्या मुंह देखना चाहता हूँ? अरे हम क्या उन्हें दफना रहे हैं? अच्छा सुनो, एक बार आई लव यू बोलो। आई 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 नहीं आ गया। कौन था वो? कांटो वाला चूहा सिंगम था ना, है? शहर आ रहा है ना, अब देखो शहर आके मेरी इज्जत की वाट का लगाएगा, मैं उसकी शिवाद्री का लगा दूंगा, मैं उसकी ब्लैक लेबल। एसएमएस अरे भाड़ में जाए एसएमएस। क्या बोल रहा था वो? आई लव यू बोल रहा था ना, बोलने का बोल रहा था ना? नहीं बोलना, बोलना तो अपनी जिम्मेदारी में बोलना। और मेरे लिए क्या कह रहा था? वो कह रहा था पापा को सलाम देना। सलाम, नमस्ते के मुंह वाला सलाम कैसे कहेगा? क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था वो? क्या बोल रहा था? अरे भाई खोतिया बोल रहा होगा। खोतिया खोतिया, अरे तू तो ना बोला कर, तेरा तो सब यकीन कर लेते हैं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए पैदल, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी आंख शराबी नैन शराबी पैदल। पैदल के बच्चे क्या बदतमीजी है? कौन सलूट क्यों नहीं मारा अभी तक? किसको मारना था? अबे किसको, ये क्या है? क्या ये मेरा सलूट नहीं बनता क्या? अच्छा ऐसे तो शक्ल देख के तो लानत बनती है। क्या बकवास कर रहा है? बस सलूट मार दे चाहे आधा ही मार दी करके खत्म। वेरी गुड। देखो भाई ये होता है, एक अफसर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए सर। हाँ ट्रांसफर जो हो गए। या क्या पहचान तो ना समा। बैठो 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 साथ बैठो। सर शक्ल से तो आप बड़े लांती लग रहे हैं, मेहनती लग रहे हैं। मेहनती लग रहा, अपने काम में बड़ा मेहनती हूँ सर। बड़े लो भाई मैं अपना किस्सा सुनाने लगा हूँ गाँव का। पैदल? पैदल नहीं, रक्षे पे पैदल का बच्चा। ले भाई मैं जहाँ था ना पहले गुमनाम गांव में। कहाँ था? गांव का नाम है गुमनाम। गुम गया था? गुम नहीं गया था, मिल गया था, उसके बाद उसका नाम रखा गुमनाम। गुमनाम हाँ, वो गांव में मैं और मेरा साहब। ओए होए 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 होए, क्या थाना चलाया है हमने पैदल। अबे पैदल नहीं पहियों पे, दिमाग खराब है। आराम से आराम से बैठ, मेरी बात सुन पहले। मैं और मेरा साहब, हम जो हमारे ड्यूटी जो हमने अंजाम दिए, ओए होए मेरे साहब के किस्से इतने मशहूर हैं गुमनाम गांव में कि उनसे बड़ा सख्त ऑफिसर अभी तक कोई आया नहीं। बहुत सख्त है? बहुत सख्त। पैदल? मैं कड़क बता रहा हूँ, इतने सख्त है, इतने एक दफा किसी मुजरिम को वो पकड़ ले। पैदल? पैदल के बच्चे, एक दफा कोई मुजरिम उनके हत्थे चढ़ जाए मजा ले जो उनसे जान छुड़ा ले। क्या है? ऐसी मालिश करते हैं। मालिश ही है? मालिश ही है नहीं, पॉलिश ही है, छित्तर के साथ पॉलिश करते हैं वो। पैदल? अबे ओ ये पैदल क्या है? नहीं, पैदल क्या, पैदल क्या, तू क्या मोटरसाइकिल लेकर दुनिया में आया? पैदल आप वो जो ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर हमारे साहब की क्या बात है, एक नंबर ऑफिसर है भाई। आप नहीं है? मैं? मैं कौन हूँ? वेरी गुड, मैं भी सब बता दूं मैं कौन हूँ। कौन हो? अंडरस्टूड रखना है, ऐसे थोड़ी सब बता दूं तुझे। बता दो। ये क्या हाल किया हुआ है ऑफिस का तूने? फाइल इधर पड़ी है, कोई किधर पड़ी, वो केस वेस नहीं आते क्या यहाँ पे? आते हैं पैदल। पैदल? कभी कभी। पैदल ही आएंगे क्या? गाड़ी क्या थाने में ट्राला लेके घुसेगा कोई? वेरी गुड। और सुना तू कोई किस्सा तेरा कोई यहाँ पे? अबे हमारे साहब जो आने वाले हैं। अच्छा, वो उनकी तो क्या बात है। क्या बात है? इतने सख्त किस्म के आदमी है। सख्त है? गाड़ी में आने वाले पैदल। गाड़ी में आने वाले पैदल? पता लग जाएगा मेरे साहब। अरे आ गया, यही तो है मेरे साहब। नहीं ये तो हमारे साहब है। अरे ये मेरे साहब है जिनकी मैं किससे अभी बकवास कर रहा था, यही तो है। सलूट मार, सलूट मार। हैं? सलूट मार दे। सलूट क्या मारू मैं तो इनको। सर वेलकम टू थाना। सर ये आपकी सीट है और ये आपका ऑफिस है। सर ये टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? कटा हुआ है पैदल। और सर मैं अपना तारीफ करा दूं, इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम अब्बास है उर्फ आटो। और ये क्या, कौन है भी तू? मैं कौन हूँ? अरे मैं इनका जोड़ीदार हूँ, जुड़वा। पहले मेरा ट्रांसफार्मर हुआ, फिर इनका ट्रांसफार्मर हुआ यहाँ पे। शक्ल से तो लग रहा था इनका जनरेटर उड़ा हुआ है। और मैं चाचा खपती, चार दिन के मेहमान। हाँ। पैदल? नहीं सर, चाय पियेंगे आप? नहीं। क्यों? आज ये पिला देगा सर, तो कल कौन पिलाएगा? सर मैं पिलाऊंगा आपको पैदल। सही है, एक काम करो। हाँ। जी तुम लोग सब जाकर बाहर खड़े रहो, कहीं थाने पे छापा ना पड़ जाए। हाँ ठीक है सर, मैं आपकी स्कूटर ले जाता हूँ पैदल। जाओ। बहुत अच्छे, पैदल ही लेके जाना पड़ेगा, उसमें पेट्रोल नहीं है। साहब
एक सिगरेट का या गले में पी मत जाना। असली दूर का चटका है धीरे से लगा लगा। वेलकम वेलकम मिस्टर सैलम वेलकम। ए तू क्या समझता है इधर तू ट्रांसफर हो क्या है? ए मैंने तुझे बुलाया इधर मैंने मुझे पता है तू बहुत बड़ा भूतनी का बच्चा है, लेकिन आज तुझे मैं बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा चुड़ैल का बच्चा हूँ। आज तुझे बताऊंगा कि मिनिस्टर और पुलिस मेरे पीछे क्यों भागते हैं। पता है क्यों भागते हैं? ताकि मुझे अपने पुराने कपड़े दे सके, फितरा खराब दे सके, सदका सकाब दे सके, सदके की ओझड़ी दे सके। पूरे गांव वालों के सामने तूने मुझे नंगा किया। उस दिन मुझे पता चला कि मेरे जिस्म पे इतने बड़े बड़े बाल हैं, किसी बच्चे की चवन्नी उसमें गिर जाए तो वो भी ना मिले। आज मैं तुझे बताऊंगा कि कानून के धागे कितने कच्चे होते हैं, और जहां लाइट नहीं होती वहां ऐसे ही बच्चे होते हैं। ए जोर का झटका है धीरे से लगा ए लगा। आज की मुख्य खबर, चेकान छकरे जो के भाई के नाम से जाने जाते थे, कोई ऐसा काला धंधा नहीं था जो उन्होंने ना किया हो। इस देश की खुशकिस्मती है कि उन्हें इलेक्शन का टिकट मिल गया है। इस देश को ऐसे ही क्रिमिनल सितारों की जरूरत है। पहचाना मेरे को सिंह, इन्हीं हाथों से मेरा ठेंगा कागज पे लगवाया था ना। अब देख यही हाथ मेरे को सलाम ठोक रहे हैं। ए सिंगम, मेरे को तो टिकट मिल गया खोखरा पार की गाड़ी का नहीं इलेक्शन का। मेरे को पता है सिंगम कि तू मुझे वोट नहीं देगा, फिर भी वेलकम टू माय शहर सिंगम। जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा आएगा भाई आएगा। ऐसे क्या देख रहे, कभी खूबसूरत आदमी देखा नहीं है क्या? आओ आओ कट जाएगा सफर साथ चलने से। बातों में कितनी दूर आ गए। हाँ भाभी पीछे रह गई। कितनी दूर आ गए तू, क्या बैरिंग के जूते लगाए हुए तूने? पैदल बकवास कर रहा है। हाय मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितनी दूर लगा दिया शहर से नाका, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का। अभी मेरी बीवी का फोन आया है, कह रही है दूध लेते आना, रो रहा है काका। मेरे जेब में पैसे नहीं है, घर में है 2 दिन से पाका। अभी बात सुन। हाँ ये बैरल क्यों लगाया? ये बैरल यूं लगाया है कि यहाँ से हर शरीफ आदमी बेगुनाह आदमी जो भी आएगा पकड़ा जाएगा। और जहाँ बैरल नहीं होते बस वहाँ से चले जाओ, कौन रोकने वाला है? कुछ भी ले जाओ, आने दे जाने दे, जाने दे। एक बात सुन लो, कान खोल के एक मिनट रुक जा, अब बोल। अबे सुन लो। अच्छा देख बे, कोई भी दहशतगर्द नजर आए ना पहली फुर्सत में भाग लेना। मैं तो यहाँ रुकेगा कौन, तेरा दिमाग खराब हो गया? भागना पैदल? नहीं बे, तू कुत्ते पे बैठ के निकल जाइयो, तेरा भी काम हो जाएगा। हत्या ड्यूटी लगा दी है, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। क्यों? 4-5 पुलिस वाले हमारे साथ और होने, हिम्मत रहेगी। अबे हैं ये चांद गाड़ी जमीन पे क्या कर रही है? चांद गाड़ी नहीं, चिंची आ रही है पैदल। अबे तो सीधी तरह बोलो ना, दिहाड़ी आ रही है। अबे वो सांप को देख लो। ओके ओके आने दो, अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। रोको रोको रोको, एक मिनट, ऐसे कैसे गुजर जाएगा? अबे बच कर दे। ए, कर जाएगा? नहीं, चेकिंग करनी है पहले। हाँ भाई बंद करो इसको, बंद करो ये बंद। वेरी गुड, बंद करो। हाँ भाई बड़ा कौन है तुम में? मैं नीचे आ जा, तू ही आ जा, तुझसे बात करेंगे। आया भाई आया। वेरी गुड, तू तो कह रहा था बड़ा, भाई इतना ही बड़ा है और क्या?
बहुत अच्छे। ए रास्ता खोल, चाबी दे। अबे तेरे घर पे आया क्या? क्या हुआ? उल्टी सीधी बातें कर रहा। हाँ भाई क्या है? ए रास्ता को, रास्ता तेरे बाप का है क्या? ये सड़क तेरी माँ की है क्या? जानता नहीं है हम कितना चित्रा के आदमी है। इन पे चार्ज लगाओ। इन्होंने मलिक का शराबत और रागी सावंत के बगैर सेंसर वाले गाने हमारी पार्टी को दिए। एफआईआर काट। ओके सर। ये क्या कर रहे हो? सर आपने ही तो कहा एफआईआर काटो। एफआईआर लिखो। सर अगर मुझे लिखना आता होता तो मैं पुलिस में होता। तुम लिखो। मैं तो पैदल। तुम काटो। सर मैं जेबें काट सकता हूँ, एफआईआर नहीं काट सकता। एक मिनट, कोई एफआईआर चफआईआर नहीं कटेगी। अरे एक बात बताइए कि जो भी कोई नई फिल्म आती है तुम इसकी रेड़ क्यों मार देते हो? पैसे मिलते। अरे चुप, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सर पब्लिक पसंद करती है सर। चल ठीक है, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, हम मान लेते हैं। अब एक बात आप हमारी मानिए, ये जो कुत्ते की तरह यहाँ पे लोग बिठाए हुए हैं, छोड़ दीजिए इनको, बहुत शरीफ लोग हैं ये। सर किस बात के शरीफ है? ये क्या जद्दा में मसवा के बेचते हैं? अरे बकवास मत कीजिए, डीएसपी का जोक मार रहे हैं आप, पाजीराव सिंघम कहीं के। सर पूरा नाम लीजिए, पाजीराव सिंघम जेतपुरी। अरे जेतपुरी हो के मैनपुरी हो, छोड़िए इनको, चलिए चलिए उठिए, जोक मारते हैं। चलो मैं तो कह रहा सर आप गांव वापस ट्रांसफर करवा लें पैदल। तो तुम वापस जाना चाहते हो? तो तुम क्या चाहती हो कि ईदगाह पे फकीरों की लाइन में बैठूं और रोटी का इंतजार करूं कि कोई गाड़ी वाला आएगा और कहेगा कि 10 आदमी को रोटी खिला दो? तुम भाग रहे हो। मैं नहीं भाग रहा हूं, और भागता हूं तो मेरी सांस फूल जाती है। क्यों? गुटखे और मैनपुरी ने मेरा गर्क कर दिया है। तो तुम जाना चाहते हो? तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो लड़ाई में धक्का देके पीछे हट जाती हैं, आदमी कुत्ते की तरह पिटता रहे। क्यों वापस जाना चाहते हो? तुम समझ नहीं रही हो, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो गुस्से से मेरे पैंट फट जाएंगे। जाने दो इस छोरे को, अगर ये टाइम पे नहीं गया तो इसकी वैगन निकल जाएगी। मैं समझ लूंगी कि मेरा कसम ही गलत था। चढ़ाओ मत, मैं रुकने वाला नहीं। अबे ओ डेट मार रहा है क्या? अबे निकल भाई, ये तो खम्मा निकाल लेगा। अबे निकल निकल। अबे निकल भाई। अंकल मुझे बता दे, बोल आपसे नहीं निकलेगा इसलिए मैं आपके लिए पाइप लेकर आया हूँ। और मेरे बाबा अच्छे आदमी थे, वो चोर नहीं थे। किसका फोन है? लड़की का।
क्या कह रही है? कह रही है तुम्हारा फोन आरजी तौर पे बंद है। यू रोता हुआ क्यों आ रहा है? अल्लो अल्लो। चुप। चलो जाओ, जाके बाहर खड़े हो और गाड़ी का ख्याल रखना। पहले भी कोई गधा चुरा के ले गया है, अब कोई लेके गया तो तुमको आगे बांधूंगा। चलो। अच्छा। क्या रे सिंगम, तेरे को मेरे बंदे दिखते हैं, सबको उठा के अंदर ठोक देता है, हैं? चलो कोई बात नहीं। माफ करना, तेरी कुर्सी में बगैर इजाजत का बैठ गया मैं। कुर्सी है, खाली कुर्सी चिढ़ है इस मुल्क के लिए। चल छोड़, छोड़ मेरे बंदों को छोड़। तेरे आदमी है? मेरे आदमी? तू इनके निकाह में है क्या? इस वक्त तू इंस्पेक्टर नहीं, निकाह पढ़ाने वाले का बच्चा लगा है क्या? और तू जिनका बच्चा है उनको भी नहीं पता कि तू किसका बच्चा है। ज्यादा बातें नहीं, चल छोड़। और अगर ना छोड़ू तो फिर मैं ऐसी छोड़ूंगा कि ये सारा तेरा थाना खाली हो जाएगा। इनकी माँ जो वाइडो मारा हूं। एक शर्त पे छोड़ूंगा। क्या शर्त? इस पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दे। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? अभी फाड़ देता है? सिर्फ वर्दी। हाँ बाबा, वर्दी। खुश। चल छोड़। पुलिस वाले की वर्दी क्यों फाड़ी? पर बाबा तूने बोली मैंने फाड़ दी। अगर मैं बोलूंगा कि गधे की सो चुमिया ले तो लेगा? ये क्या बात कर रहे हैं? वर्दी क्यों फाड़ी? बंद करो इसे। अरे मेरे, बंद करो। अब देखता हूं इसे छुड़ाने कौन आता। संगम, संगम, देखिए बात सुनिए। हम जानते हैं कि शिवा ने पुलिस की वर्दी फाड़ी है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं ना, छोड़ दीजिए इनको। अरे बात सुनिए। अरे नहीं सुनेंगे लगता है। अच्छा भाई सिगरेट का कशी लगवा दीजिए। अच्छा कहां से दे दे एक कश? इतनी मुश्किल से तो हमको एक जोड़ी का माल मिला है, वो भी तुम्हें दे दे। जोड़ी का माल इतनी मुश्किल से मिला, उसमें से भी एक सिगरेट बनी है, एक का ये डम कर गया। कश नहीं लगवाना, कस के ले लेगा। तो मैं भी आगे कस के लगाऊंगा तेरे को पैदल। अरे हम तो आपकी तरफ से बोलने आए हैं। मेरी बारी है साहब। देखिए संगम, बात सुनिए, बात सुनिए हमारी। देखिए इनको छोड़ दीजिए। बाथरूम से आता हूं। अरे बाथरूम गंदा है क्या? साफ करने गए हैं? अब उन्होंने पी लिए, आराम से आएंगे। अरे खाते क्या हैं ये? पेट में मरोड़ है इनके। मरोड़ है, स्प्रिंग खा गए हैं। अच्छा आप पूछ रहे ना इन्होंने क्या खाया था? अपने अब्बा की मार खाई थी। झूठ बोल रहा है, काले चने खाए थे, थे तो सफेद, उसने हाथ लगाया काले हो गए। चम्मच लेके खड़ा है, मैं बहुत मारता हूँ पैदल। साहब एक बात बताएं, आप पुलिस में हैं क्या? अरे नहीं तो क्या, तुम्हारे को लग रहा है हम पकवान का देख लग क्या है बिरयानी का? साहब क्या पानी नहीं आ रहा क्या अंदर? देखिए संगम, हम आपको आखिरी बार कह रहे हैं छोड़ दीजिए। लिख के दो फिर मूड बनेगा। अरे बात सुनिए, ये थाना है, कोई डांसिंग क्लब है जो आप अपना मूड बना रहे हैं? इस सीन में कॉमेडी नहीं चाहिए, सीरियस बात होगी। देखिए आप जानते हैं ना कि आप किससे बात कर रहे हैं? जानता हूँ, जो पहले धोबी था अचानक पुलिस वाला बन गया, जो कानून से ज्यादा मुजरिमों का साथ देता है। खबरदार, ये जो धोबी वाली बात किसको बताएगा, वरना मैं क्या, मैं जिंदा बकरी का ये क्या? अरे किस तरह बात कर रहे हैं आप? हमको मामूली आदमी है, चार थानों के डीएसपी हैं हम। अगर तू चार थानों का डीएसपी है तो मैं पूरे मुल्क का पुलिस वाला हूँ, बाजीराव, सिंगम, जेतपुरी। अरे छोड़िए ना, इतने मामूली से गांव के तो पुलिस वाले हैं आप। क्या गांव, 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 ये गांव वाले हैं जो अनाज बोते हैं तो तुम लोग कश्मीरी पुलाव खाते हो, ये गांव वाले ही हैं जो सब्जियां बोते हैं तो तुम लोग सलाद खाते हो, और ये गांव वाले ही हैं जो फ्रूट बोते हैं लेकिन तुम जैसे गद्दार अच्छा अच्छा फ्रूट बाहर भेज देते हो और हमारी कौम को सड़ा हुआ फ्रूट खाने को मिलता है। और एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर राज के बाद इस थाने की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो टांगे तोड़ के भीख मंगवाऊंगा और भीख के पैसे भी तुझे नहीं दूंगा। अरे बाप रे बाप, इसने तो खानदान तो क्या पूरी फिल्म में दलील नहीं हुए हैं? अरे क्या देख रहे हैं? कुछ बाकी है, देखा नहीं, डरा के भगा दिया हमने उसको, बाकी जाइए। अरे जाइए ना।
लगा लगा आंखों में साबुन लगा और लगा। अब मुंह से झाग वाले बुलबुले भी निकाल। अब क्या है? चैन से नहाना तो मेरे को शिवा को अंदर रखे। तू सचमुच का हीरो समझते अपने आप को? अभी देख, अभी घरों से मैं 1000 आदमी बुलाऊंगा जो तेरे को चीर के तेरे अंदर नमक भर देगा। अगर तू घरों से 1000 आदमी बुलाएगा तो मैं खारा दर, मीठा दर, रंचोलैंड, मूसालैंड, लांडी, कोरंगी और शाफे से 10,000 आदमी बुलवा लूंगा। पाजी राव सिंघम जेतपुरी नाम है मेरा। और इस हाथ को गौर से देख जयकांत शिकरे, ये उल्टा हाथ है और तू अच्छी तरह जानता है कि उल्टा हाथ किस काम आता है। हेलो काव्या, कैसी हो? मैं तुम्हें याद कर रही थी अभी। हाँ मुझे पता है, तुम मुझे मनुज का बच्चा बोल रही थी। हाँ। कुछ शर्म करो, मुंह पर ही हाँ कह रही हो। मैं नहीं सुन रहा, जो भी बात करनी है एसएमएस में कर लेना। तुम कैसे हैं? मैं दरवाजे से। क्यों आए हो यार तुम? मैं वो बताऊ ना क्यों आया हूँ मैं। पापा सालगिरह मनाने आया हमारे साथ। ओह मुफ्ता, भोकट का केक खाने आया हो? सॉरी, मैं अपना केक अपने साथ लाया हूँ, ये रहा। थोड़ा चखाया? माफ कीजिएगा, ये आपके खाने का नहीं है। छोड़ो ना सिंघम। खाने दो, वो कुत्ते का केक होगा। तो फिर आप ही खा लीजिए। एसएमएस नहीं, फोन आया है। जाहिल आदमी कोई फोन कर रहा है, बताओ एसएमएस कर देता। हेलो, ए हां मैं जयकांत शिकरे। सुन, जिस बेटी की सालगिरह तू मना रहा है, मैं उसके तीजे की तैयारी कर रहा हूँ। अब सोच ये रहा हूँ कि तुझे तीजे में पुलाव भेजू या दाल चावल। तो क्या मेरी बेटी? हाँ मेरे पास है। अब तू बोलेगा उसकी आवाज सुना हुआ। मजबूरी है, बैलेंस खत्म होने वाला है। हाँ इतना बड़ा धंधा करता है तो बैलेंस दिलवाता क्यों नहीं? तू पैसे देगा तो बैलेंस दिलवाऊंगा ना। अब एड्रेस सुन, पुल के नीचे उमर गुल खड़ा होगा, उसको पैसे दे और अपनी बेटी ले जा, वरना खामा खामे तेरी बेटी को मारना पड़ेगा मुझे। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी खुद ही आ जाएगी। कहाँ है हमारी बेटी बताए ना। कहीं नहीं। हुआ क्या आपको बताना पड़ेगा? वो असल में तुम्हें तो पता है मेरी 2 बेटियां हैं। आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी आ जाएगी। हटा ले क्या? क्यों, कोई नजर भी नहीं आ रहा। मैं हाथ तो हटा। पैदल साहब से पूछ ले, लोटा रख दूं या टिश्यू रखवा दूं? साहब उठ जाओ वरना ये 5 रुपए मांग लेगा। मैं बिल्ली पे समझ रहा था। शक पैदल। अबे ये साहब उठ क्यों नहीं रहे? अबे साहब है ना पानी ज्यादा पीते। अबे क्या बारिश का भी पानी पी गए पैदल? क्या बकवास कर रहा है, बस आता ही होगा। अबे यार कितना टाइम हो गया, अभी तक आया ही नहीं है। माशाल्लाह कौन सी घड़ी में टाइम देख रहा है जो एक जमाने से बंद पड़ी है। अबे तो मेरा तो 6 महीने रह गए यार। लग भी रहा है। अबे रिटायरमेंट के। वही तो कह रहा हूँ, मेरा टाइम बहुत बुरा चल रहा है पैदल। इससे बुरा क्या टाइम होगा, तेरे हाथ में घड़ी नहीं है। अबे ये इतनी ट्रैफिक जाम वाम है मेरे ख्याल है ना। हाँ ट्रैफिक जाम होगी तो ग्रीस लेके चला है ना। पैदल अबे नाम क्या है इसका? गोटिया। अजीब नाम है। अम्मा का नाम लीडो होगा। उसके बाप का नाम होगा ताश की गड्डी। साहब वो आ गए। तेरे अब्बू? हाँ। मेरी बेटी कहाँ है? तुम मेरी बेटी तो बेईमानी नहीं कर। आ गई मेरी बेटी। ये लो, जमा थोड़ी करानी है, वैसे तो छुट्टी हो गई। बैठ बैठ चल। पैदल गोली नहीं है, छुपा लो, तुम्हारे पास इसका लाइसेंस भी नहीं है और सामने बंदा भी नहीं है। मैं कौन सा मारने के लिए खड़ा हूँ?
मैं भी फोटो खिंचवा रहा हूँ। हैं? तो फिर ग्रुप फोटो खिंचवा लें। ये तो फायरिंग होने के बाद खुद ब खुद ग्रुप फोटो बन जाएगी। अल्लाह साहब, अकेले जा रहे हो, बहुत मारेंगे। अच्छा तुम लोग मेरे पीछे आओ। अब एक मिनट, साहब को उधर जाने दो, अपन सब चार जी। सही बात है बे, इतने का तो चेक भी नहीं मिलता जितना ये मारेंगे। निकलो पैदल। निकल। वो पुलिस वाले नहीं है क्या? वो क्या फ्रूट बेचते? अबे हमारे साहब है वो। हाँ? भाई इतनी सी बात तो साहब, इसको लड़ना नहीं आता गरीब को, वरना बहुत मारता तुम्हें। अबे एक बात बताओ, ये अकेला था तो हम क्यों भागे फिर? जाहिल, अबे देख ले रहा, साहब ने इसके अंदर मारा, नीचे से मेरेंडा बना दिया उसको। अबे ऐसे काम क्यों करते, पिटना पड़े तुम्हें। निकल ये पकड़। चलिए पकड़। उठा उठा के थक गए हम लोग। उसे कहाँ पकड़ा दी, कहीं चलाना दे। अबे हम पुलिस वालों की गने चल रही होती तो फिर ये दहशतगर्द चल रहे होते। मैं सही बोल रहा, कभी कभी पते की बात करता भाई। चल, 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 नहीं चल, चलती क्या? नहीं चलती, पैदल चल। सुनते लिया करो। अच्छा तो बता दे लिया करो। बहुत लानती वाला काम किए हैं सिंगम, बहुत लानती वाला काम किए भाई। हम तो खुश हो गए, तुमने शिवा को पकड़कर पूरी पुलिस फोर्स का नाम रोशन किए हैं भाई। इस खुशी के मौके में हम चाहते हैं कि हम नाचे गाए, पर क्या करें, हम मजबूर हैं। अब आप हमें खुसरा समझेगी ना? वो तो अभी नहीं समझ रहे। शट अप सिंगम, मैं चाहता हूँ तुम्हें तरक्की दूँ। आज से तुम पीपरी चले जाओ और नए पुलिस वालों को ट्रेनिंग दो। पैदल शट अप। मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते। तुम जेकान शिकरे को नहीं जानते, इस शहर के तमाम खुसरों से पैसे लेके खाए उसने। अरे इस शहर का कोई होटल ऐसा नहीं जो जिकान शिकरे से उधार के पैसे नहीं मांगता हो। और तू क्या है सिंगम, एक ईमानदार पुलिस वाला, तुझे पता है? तुझे पता है कि तेरा बाप कौन है? हाँ, शंकर वेल्डर। घर जाके पूछना, हो सकता है वो भी बेकसूर हो। है? क्या बोला तू, क्या बोला तू? इंजी माचो। तूने मिनिस्टर का चवाड़ मारा। क्या सबूत है? इन सबने देखा है, तूने देखा? चल बे चल। मारा तो नहीं है लेकिन मार अब पड़ेगी, और ऐसी मार पड़ेगी कि तुझे पैंपर मांगनी पड़ेगी। आ जाओ। सर, हमारी 6 महीने रिटायरमेंट में रह गए, अगर आप इजाजत दे तो हम भी हाथ साफ कर ले। कम ऑन। अरे साहब, आपको जमाने की कुछ खबर है? नहीं। अरे पते की बात, जेम्स बॉन्ड ने अपना नाम बदल लिया। क्या रख लिया? समंत बॉन्ड। चलो वो जूते जोड़ने के तो काम आएगा। जोर का झटका है धीरे से लगा और लगा। मुबारक हो संगम सर। बैठ बैठ। मैं तो इलेक्शन में धांधली करके जीत गया। सही बात है, ईमानदारी से तो तू जीत नहीं सकता। नकली है, एक एक आदमी ने 10-10 वोट दिए हैं, 10-10। और हाँ, वो तेरे लिए है, गुड न्यूज है, गुड न्यूज। ये ले। शट अप। ये संगम सर के लिए कल्टी कोरियर है। कल्टी कोरियर? हाँ, तेरा ट्रांसफर लेटर। जा जा जा, अब यहाँ से जा। और हाँ, जाते हुए ठट्टा से अपने माँ बाप के लिए रबड़ी जरूर लेता हुआ जाइए। और अगर ठट्टा से रबड़ी ना मिली तो पन्नू आदम की ककड़ी लेता जाइयो। और अगर ककड़ी भी ना मिले तो? फिर तो तू खुद समझदार है ना, खुद समझदार है। ये सब चीजें लानी है पैदल। शट अप। रहा तेरी कुर्सी अब थाने से बाहर, इसलिए मैं लेके आया हूं तेरे लिए जूतों का हार। क्योंकि सिंगम अगर शेर है तो जिकांत छिकरे भी
चीते का बच्चा है, वो तो दोनों जानवर की औलाद ना। गुस्सा, मैं डर गया, डर गया। जोर का झटका है धीरे से लगा, जोर का झटका है धीरे से लगा, लगा। क्या बनता है पैदल? ए सिंगम, तुम सबको चबा के कर डालूंगा चिंगम, चल जल्दी खोल। एक दो टके का भैंसा तेरे हाथ में थमा के चला गया। हाँ चल, देखता क्या है, खोल जल्दी। लाकम खोल। क्या मुर्गी का बच्चा मर गया क्या? दो टके का इंसान, एक दो टके का गधेड़ा तेरे हाथ में थमा के चला गया ना। धांधली से इलेक्शन जीत लिया ना उसने। बड़ा सिंगम, सिंगम ये ले और मार मुझे। क्यों? बहुत जलील करके गया है, और वैसे भी फिल्म में अजय देवगन मारता है, हम इसको उल्टा कर रहे हैं। मार मुझे। जैसी तुम्हारी इच्छा सिंगम। इधर आ, चरस की सिगरेट। पैदल गाड़ी लाओ। पैदल। तुम लोगों ने भी मुझे बहुत मारा, बैठने के काबिल नहीं छोड़ा, बाथरूम में भी चीखता था। मैं तुम्हारी नरम नरम जगह पे नरम नरम ये उतार 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 पैदल। तेरे अंदर एक गधा फौत है, उसको भी। दावा थक गया, मेरे को वापस लॉकअप करो, वापस लॉकअप करो, मैं जा रहा हूँ। चले जा भाई पैदल। थक गया, और चल बे, चल बंद कर। सर ऐसी पार्टियों में मुंह का तोड़ना तो हम जैसे पुलिस वालों का काम है, आप लोगों का नहीं सर। वो अंधी छछुंदर का बच्चा शिवा, हंसी का गोलगप्पा, हमें कहता है कि तुम्हारी औकात 12 से 5 है, ऐसा क्यों सर? वो डिस्कवरी का जानवर जयकांत छिकरे आज मेरे हाथ में ट्रांसफर लेटर थमा के चला गया, और मैं आवारा बिल्ली की तरह उसे देखता रहा, ऐसा क्यों सर? इंस्पेक्टर कदम को आज तक इंसाफ नहीं मिला, और उसकी बीवी बेवा होने के बावजूद बंठन पे घूमती है, ऐसा क्यों सर? अरे कदम तो रिश्वतखोर था सर। जैसे तू हरामखोर है। शट अप, हमको हरामखोर बोलिएगा? पागल हो गया है सर, पागल हो गया है। पागल नहीं हो गया, इस बच्चे की आंखों में आके डाल के देख और बता, तू शारा फैसल पे खड़े होकर रात को खुसरो को लिफ्ट नहीं देता? बता, आप बताइए सर, आप घर में झाड़ू पोछा करते हैं, उसके बावजूद भी आपकी वाइफ आपको बाथरूम की झाड़ू से मारती है, ऐसा क्यों सर? लेकिन मेरे अभी जाने में 12 घंटे बाकी हैं, मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि मेरा बाप पूरे गांव में कहेगा कि यह है मेरा बेटा लांती। अरे भैया जी, अरे भैया जी, अरे अरे किधर चले गए भैया जी? अरे बाइट के नीचे तो नहीं है? अरे अरे भैया जी, अरे कहीं इधर ना हो, बदबू तो इधर से भी आ रहा है। अरे ये देखते हैं, अरे कहीं ठंडी मशीन के अंदर तो नहीं घुस के बैठे हैं भैया जी? कहाँ है?
अरे भाई जी आपको ढूंढने आए थे लेकिन सब भूल गए। अरे बड़ा खूबसूरत बेड बनाए हैं, दिल चाह रहा है इधर ही बैठ जाए। इस पे अभी तक मैं नहीं सोया, मैंने सोया, तू कैसे सोएगा डीएसपी? अरे भैया जी छोड़िए, इतना एक गंदा नंगा पतंगा जिसम लेके हमारे एक तो सामने आ गए हैं आप। तो तूने रिश्ता दे रहा मुझे? अरे छोड़िए भैया जी, आपको बहुत जरूरी बात बताने आए हैं हम। मैं भी बहुत जरूरी काम करके आया हूँ। अरे भैया जी छोड़िए, आपको ऐसी बात बताने आएंगे, जरूरी काम हम सारे बंद हो जाएंगे आपके। क्या कह रहे हैं डीएसपी? अरे भैया जी बात सुनिए। अरे भैया जी वो नहीं है वो, अरे वो कौन सा इंस्पेक्टर है वो? अरे अरे वो सिंगम, सिंगम। अरे अकड़िया नहीं, आपकी कुटाई लगाने आ रहा है। सिंगम मैं आगे कर रहा हूं। अरे मेरी दंभी भी नहीं है यहां पे, अंदर डीएसपी मुझे कहीं छुपा ले। अरे किधर छुपा लीजिए, आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, फौरन आ जाइए। अरे आप आइए तो सही, अरे हम बचाएंगे ना आपको, आ जाइए। ऐसे आ जाए क्या? अरे भैया एक काम कीजिए, हम बाहर खड़े हैं, कपड़ा चेंज करके फौरन आइए। अच्छा तुम चेंज करो, हम साथ चले। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम आप आ जाइए, फौरन आ जाइए, आ जाइए। डीएसपी कपड़े पहनने तो दे। ये हुई ना बात, मिनिस्टर बनने से पहले इतनी सेफ्टी। डीजीपी साहब मेरे घर में इतनी पुलिस लेके आ गए, और इतनी पुलिस तो शहर के थानों में नहीं है। मुझे मारने के लिए सिंगम आ रहा है, कोई शब कच्ची मां नहीं आ रहा। ए डीएसपी बुलाना, अब बुलाना सिंगम को, बुला बुला, मैं अकेला हूँ, बुला बुला। अरे दिल नहीं लग रहा उसके बगैर, बुला। अरे भैया जी बहुत ही जल्दी है आपको, अभी बुलाते हैं सिंगम। ए सिंगम, सिंगम नहीं आ रही। सियाने सही कहते हैं कि बीवी एक होनी चाहिए, लेकिन तूने तो दो दो बीवियां रख ली, एक गांव वाली और एक शहर वाली। डीएसपी सॉरी भैया जी, मैं तलाक ले चुकी हूँ। आप क्या समझे थे कि हमारा गैरत कभी जागेगा ही नहीं? आखिर हम हैं तो पुलिस वाले ना, पुलिस वालों का ही साथ देंगे। ठीक है, तूने तलाक ले ली, तू भी तलाक ले ले, मैं भी अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। लेकिन एक बात सुन ले सिंगम, कल मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, फिर तू आएगा ना मेरे ऑफिस में, तो तुझे चाय पानी कभी नहीं पूछूंगा मैं। डीजीपी है कहाँ? वो तो सीढ़ियों से गिरा और अस्पताल में फ्री का फ्रूट खा रहा है। सर एक ग्रुप फोटो हो जाए। क्यों क्यों क्यों? कल को तुम मर जाओगे ना पैदल। मैं क्यों मरूंगा? देख ना देख, डीजीपी साहब क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? सर इसको जल्दी मारे, मैं बोर हो रहा हूँ। बहाना निकल, सीधा सीधा बोल दे इनको मेरे भेजे में गोली उतार दो, या गोली। वेरी गुड, अच्छा मशवरा दिया। एक काम करो, वो जो एक महीने से गन पड़ी हुई है ना जिसके अंदर गोली फंसी हुई है, वो गन लेकर आओ, दंग वाली गोली से फौरन मर जाएगा। चिटिंग करता है तुम्हारे साथ, चिटिंग करता है। इतने सारे पुलिस वाले लेके आ गया, तो पुलिस वाले क्या मेरे को गिरफ्तार करने के लिए आया? मेरी बरात में आया तू? तू आम आदमी नहीं है, तू पुलिस वाला नहीं है, तू कब सामने पांच पांच रुपए में लोटे देता है, लोटे। ए डीजीपी साहब देखो ना इसको, देखो डीजीपी साहब मर जाऊँ ना तो मुझे चिता में मत जला, मुझे जल के मरने से बहुत डर लगता है डीजीपी साहब। नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना डीजीपी साहब, ये जो खड़ा है चिटिंग करता है दफा मेरे साथ। हर फिल्म में एक बात पता मेरे को, ये विलन के कुत्ते वाले क्यों होती है? मेरी तो अम्मी भी गाँव गई हुई है, अकेला आदमी क्या करूँगा बताओ, क्या करूँगा? तो बंदूक निकाल ली पैदल, चुप आली दे आली, भागो आली। अरे सज रही गली मेरी अम्मा सुनर गोटे, सज रही गली मेरी अम्मा सुनर गोटे।
ये रही गली। बहुत अच्छे सीधा खड़ा हो जा वरना ये 10 रुपए अपने ऊपर लगाने पड़ जाएंगे। अबे 10 नहीं पूरे 5,000 लगाने पड़ते। हाँ इस नोट पे जिसका नाम लिखा है उसे जानते हो? मेरे फूफा है उनसे मेरी सलाम दुआ है। पैदल इधर लाओ ए अफसर के सामने रिश्वत। पैदल बदतमीज। बहुत अच्छे तुझसे बड़ा अफसर मैं हूँ। इधर दे। माशाल्लाह तेरा गला टूटा हुआ है ख्याल से। बहुत अच्छे ये क्या है? बंदूक दिखा इधर। ओ हो प्लास्टिक की बंदूक से बेवकूफ इतनी देर से दौड़ा रहा है ये प्लास्टिक की बंदूक लेके। वैसे एक बात बता दूं आजकल वारदात प्लास्टिक की बंदूक पे ही हो रही है। कोई बात नहीं बच्चे खेलेंगे। तुम लोग बहुत हसाते हो यार। अभी जाता तू। हां हां ए यार किधर आंखों वाले तरबूज ऐसे कैसे चला जाएगा? दावत का इंतजाम किया तेरा पैदल। नहीं मेरा रोजा है यार। अरे रोजा तेरा हम खुलवाएंगे। हमने 76 पे बिरयानी लिखवाई। मेरी बात सुन। डामर के बने हुए आराम आराम से सही कर लेके चल इसको। मत लेके चल इसको। बात कर रहा है तेरा नाजायज बाप तो पकड़ा गया। अब तू भी अपना बयान बदल दे। अरे हम तो सही कह रहे हैं भाई। ये बहुत ही खराब आदमी है जयकांत शिकरे। इसने तो इंसानों पे छोड़ो जानवरों पे जुल्म किया है। इतना घटिया आदमी है कि 3 दफा गधे की चुम्मी लेके भागा ये। कुत्ते के दुम के पीछे दीवारी में पटाखे छोड़े इसने। हाय हाय इसने इंस्पेक्टर कदम तो इतना शरीफ नेक इंसान थे। आपा हम आपको सही कह रहे हैं। हमारे घर में आटा नहीं था उसने आटा डलवाया। उधार पैसा देते थे फितरा ज़कात हालांकि हमारा बनता नहीं है फिर भी देते थे। ये बात तू अच्छा नहीं कर रहा साहब। इसको तो गोली मार दो। नहीं गोली नहीं। तुम एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी गालियां दो इतनी गंदी गंदी गालियां दो जो आज तक मार्केट में आई भी नहीं है और किसी ने सुनी भी ना हो वरना इतनी गोलियां पड़ेंगी जितनी शैतान को कंकरियां पड़ती हैं। हट जाओ पीछे। 2 गालियां। जिस तरह गुलाब जामुन में गुलाब नहीं होता इसी तरह हर फिल्म में सलमान खान नहीं होता।